तो हेलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में मैं पूरा कट पूरा डिटेल देने वाला हूँ। मतलब मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब जिनको पता है कि मेरा चैनल मेरे पास नहीं है, या मतलब जो भी मेरे पास जो चैनल था रस्किंग वाइटी से, जिस पे 2K की मतलब 2K प्लस फैमिली थी। तो मेरे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर दोस्त हैं जो अपने मतलब लाइव स्ट्रीम पे मेरा चैनल पिन कर रहे हैं, मतलब मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनके जो ऑडियंस है या उनके दोस्त हैं, वो लोग बोल रहे हैं भाई ये तो अपना चैनल बेच चुका होगा और ऐसे ही नाटक कर रहा है, ये वो वगैरह, मतलब जो भी है कर रहा है। तो मेरी जान, मैं पूरा ही डिटेल में बताऊँगा इस वाले वीडियो में क्या कुछ हुआ मेरे साथ। तो आप लोग वीडियो पर बने रहना, और अगर मैं यहाँ पे गलत होऊंगा तो कमेंट बॉक्स में ये भी बता देना कि रस्किंग तू गलत है, तूने गलत किया कुछ भी। मतलब अगर मैं गलत हूँ तो मेरी गलती बता सकते हो आप लोग, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मेरे को सपोर्ट करना, मेरे भाई लोग जो भी वीडियो को देख रहे हो। तो वीडियो पर एंड तक बने रहना, मतलब वॉइस ओवर ज़्यादा भी हो सकता है क्योंकि पूरा डिटेल में बताऊँगा, तो अगर डिटेल नहीं बताया तो आप लोगों को डाउट रह जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात कुछ ऐसा है कि मतलब 2.5 महीने पहले की बात है, मेरे को एक आईडी लेनी थी, मेरे पास कोई आईडी नहीं थी, जबकि ये जो आईडी दिख रही है ये भी नहीं थी। मैंने इस आईडी को फिलहाल इधर ही परचेस किया, मतलब बहुत मुश्किल से इधर उधर से पैसे लेकर। तो मेरे भाई, मेरी जान, ये वाला जब मतलब मेरे को आईडी लेनी थी, तो मैंने अपना चैनल उस टाइम से जो मेरा रस्किंग वाइटी वाला चैनल है, मैंने उस पर 8 महीने से काम करना बंद कर रखा था। एक भी काम नहीं किया 8 महीने तक, मैंने बिल्कुल भी मेहनत नहीं किया उस वाले चैनल पे। तो मैंने सोचा कि चलो इस वाले चैनल को बेच के मतलब जो भी पैसे मिलेंगे उस वाले मतलब पैसे से आईडी ले लूँगा। तो मैंने मतलब जो मेरा सीआईडी दोस्त है राम कुमार, तो मैंने उसको ये वाला चैनल मतलब बेच दिया 1000 रुपये में, ठीक है। 1000 रुपये में मैंने इसको चैनल बेच दिया। तो उसने सेटअप वेटअप लगवा लिया अपना, जो मतलब पटना पर रहता था उसने सेटअप वगैरह पूरा लगवा लिया, उसने स्ट्रीम भी किया उस वाले चैनल पर, ठीक है। तो उसने स्ट्रीम किया और मतलब उससे नहीं हो पा रहा था, समझ रहे हो, स्ट्रीम उससे नहीं हो पा रहा था। तो उसने मेरे को बोला, मतलब बहुत सारा रिक्वेस्ट किया, कम से कम मतलब 10 या 20 दिन से मेरे को रोज़ बोलता था कि तू पटना पे आ जा, तू मेरे साथ रह पार्टनरशिप में, हम दोनों मेहनत करेंगे, एक साथ चैनल को ग्रो करेंगे, ठीक है। जो भी है तेरे को 70% दूंगा इस वाले चैनल में और मैं 30% रखूँगा, ठीक है। तो बात कुछ ऐसे टाइप हुआ था, मतलब जो भी समझो, डील समझो या बात समझो, ठीक है। तो मैं मतलब अपने फैमिली से मतलब पटना रहने गया, वो भी अकेले, मैं पहली बार मतलब शहर पे गया, मैं कहीं भी मतलब अकेले नहीं जाता हूँ, और मतलब मेरे घर वाले मेरे को रोक रहे हैं इस चीज़ के लिए, फिर भी मैं गया क्योंकि मतलब मेरे को इस पर बिलीव था, पूरा ही पूरा बिलीव था, ठीक है। तो मैं पटना पे गया आराम से, इसके मतलब जो चैनल है रस्किंग वाइटी वाले चैनल पे मैंने करीब 2.5 महीने से मेहनत की। अगर जो भी मेरे सब्सक्राइबर हो देख रहे हैं भाई, अगर तुम्हारे पास प्रूफ है ना, तुम्हारे पास प्रूफ है तो तुम मतलब मेरे को बताओ, अगर तुमने उस पर स्ट्रीम किया ना, मेरे इतना मेहनत किया हो ना उस चैनल पर, तो तुम जो भी बोलो तुम चैनल ले जाओ यार, अपने घर पर रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। बात कुछ ऐसा है, मैंने 2.5 महीने तक पूरा मेहनत किया, ठीक है। तो इसकी बहन का तबीयत ख़राब आया इधर, 2.5 लाख या 3 लाख कितने भी पैसे लगे आई डोंट नो, बट इसकी सिस्टर का तबीयत ख़राब हुआ। तो ये बोल रहा ना कि मैं अपने गांव पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने भी बोला ठीक है, मैं भी अपने गांव पे जा रहा हूँ और तू भी चला जा। तो मैंने मतलब उस दिन ना उस वाले जीमेल से, इसने मतलब पहले जो जीमेल था मेरा रस्किंग वाइटी वाला, मैंने इसे सेल कर रखा था, उसमें से मतलब शुरू से ही मेरा सारा डिटेल था, मेरा नंबर था, मेरा रिकवरी ईमेल था, मेरा नेम था, सारा चीज़ डिटेल मेरा था, ठीक है। लेकिन बाद में इसने पता नहीं क्यों, इसका क्या मन हो रहा है, मतलब बाद में इसने मतलब सारा चीज़ चेंज करता चला गया, एक एक करके मेरा नंबर हटा दिया, रिकवरी ईमेल हटा दिया, मेरा नाम हटा दिया, मतलब कुछ नहीं है उस ईमेल में, मेरा कुछ भी नहीं है, ठीक है, मेरा हाथ में वो ईमेल ही नहीं है, समझो। तो मैंने इससे बोला भाई कम से कम मेरा तो नंबर तो रख ले उस वाले जीमेल में, मतलब तू ही पेमेंट उठाइयो, तू ही जो भी यूट्यूब का है तू ही करियो, ठीक है, मेरे को 50% ही देना, ठीक है, कोई 70% का कोई लोचा नहीं, 50% ही देना, मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन बस तू मेरा नंबर उस वाले ईमेल में लिंक कर ले, ताकि मेरे को भी तो डिटेल पता चले इस वाले मतलब ईमेल से क्या कुछ होता है, मतलब आगे चल के जो भी बनने वाला है पेमेंट वगैरह कुछ भी, सारी डिटेल मेरे नंबर पे भी तो आएंगी ना, मेरे को भी तो कुछ पता चलेगा ना अगर मेरा नंबर उसमें लिंक रहेगा। तो इसके वजह से मैंने इससे बोला, तो लेकिन इसने भाई साहब पूरा ही इनकार कर दिया, बोल रहा है ना तेरा कुछ डिटेल नहीं रहेगा, मेरा सारा का सारा डिटेल रहेगा, समझ रहे हो, ऐसा बोला उसने। तो भाई मैं क्या ही बोलूँ, मतलब तो भाई मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा भी आया मतलब इस बात को सुनने के बाद। तो पता है मैंने मतलब इसके पास मतलब मेरा इतना वो था ना, मेरे भाई जैसा रहता था, इसके पास फ़ोन नहीं था, घर वालों ने फ़ोन छीन लिया, मैं अपना पर्सनल फ़ोन इसको खेलने के लिए देता था, 3-3 घंटे 4-4 घंटे अपनी आईडी खेलने के लिए देता था, बट मैंने इसे कभी भी मतलब पराया नहीं समझा, लेकिन इसने मतलब भाई समझ रहे हो ना, मतलब मेरे को एक क्षण में ही पराया कर दिया इसने। तो भाई मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मतलब मैं तुरंत गया बाथरूम से नहा हो के फ्रेश हुआ, अपना सारा सामान पैक किया जो भी लैपटॉप फ़ोन वगैरह
थे और मैं रूम से निकल गया। इसको कुछ नहीं बोला, यहाँ तक कि मैं इसको एक मतलब गाली भी नहीं दे गया इस बात के लिए कि इसने ऐसा क्यों किया। मुझे तो इतना हर्ट हुआ ना इसके वजह से, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब ऐसा फील हो रहा था ना कि मतलब मेरे को किसी ने धोखा दे दिया। मेरे को चैनल का कोई गम नहीं है भाई, मैं मतलब मैं दूसरा चैनल बना लूँगा, मैं मेहनत करके उसको भी ग्रो कर लूँगा, ऐसा कुछ सीन नहीं है। लेकिन भाई जो मतलब इसने ऐसा किया ना भाई, मैंने इससे क्या बोला, बस मेरा एक नंबर ही तो ऐड करने को बोला ना, कि कुछ उसमें बोला ना कि मेरे अकाउंट में ही पैसे आने चाहिए, वो बस मेरा एक नंबर है, तो तू ही पैसा निकालना भाई, तू ही सारा चीज़ करना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं इससे। पता है मतलब चैनल पे 2.5 मंथ में मैंने मतलब करीब 2000+ वॉच टाइम कर लिया था उस चैनल पर, समझ रहे हो। चैनल मोनेटाइज हो जाता और 2 महीने मेहनत करता तो, लेकिन इस भाई ने पता नहीं क्या इसका सोच है, क्या समझ है, तो ऐसा किया इसने। तो मैं तुरंत घर से निकल गया, 1 घंटा पहले ही मेरे को रहने का मन नहीं था। फिर बाद में इसने कॉल किया मेरे पास, बोल रहा है कि क्यों ऐसा कर रहा है, साथ में रहेंगे, मेरे से गलती हो गई। भाई मेरे को अब लेना देना ही नहीं है, सही बताऊँ तो मैं उस चैनल पर जाना भी नहीं चाहता और ना कि मैं उसके बाद मोनेटाइज के बाद जाऊँगा। तो भाई पूरी की पूरी यही डिटेल है। अगर मैं इस मतलब कहीं सा भी गलत हूँ, थोड़ा सा भी गलत अगर आप लोगों को मतलब नज़र आ रहा हो ना, तो आप लोग मेरे को बोल सकते हो कमेंट बॉक्स में, क्योंकि भाई मतलब जितने दिन से मैं इस चैनल पर मेहनत कर रहा हूँ ना, उसमें उसने कुछ भी नहीं किया मेरे भाई। मैं ही पूरा दिन स्ट्रीम करता था, एक टाइम खाता था दिन का, पता है, एक टाइम मतलब एक टाइम दिन में खाऊंगा, एक टाइम रात में, पूरे दिन में 2 बार खाना खाता था मैं, समझ रहे हो। भूखे प्यासे स्ट्रीम करता था अपनी मेहनत लगा के, फिर भी इस बंदे ने मतलब मेरा नंबर ऐड नहीं किया। तो भाई वीडियो यहीं तक ही था डिटेल में, और आप लोगों को मैं गलत लग रहा हूँ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना, अगर मैं सही हूँ तो मेरे को सपोर्ट करना। लव यू गाइस, बाय बाय।